जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे और खुशपाश होंगे। अभी तीसरे रोज़े की अब इफ्तारी का वक्त आ चुका है और बस अभी मैं इफ्तारी की तैयारी करने लगी थी। मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखा देती हूँ। आज पकोड़े बनाने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि कल के थोड़े से बने हुए थे, समोसे और पकोड़े पड़े हुए थे, फिर उन्हीं को गर्म करके हम लोग आज खा लेंगे। लेकिन ये कि बस अभी फ्रूट चाट में बनाने लगी थी फ्रेश, तो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, बस अभी मैं जो है साथ साथ तैयारी करने लगी थी, मैं फ्रूट चाट बना रही थी। ये है कि देखिए रोज़े जब स्टार्ट होते हैं तो थोड़ा सा बंदा सोचता है कि हाँ रमज़ान आने वाला है, अब ये करना है ये करना है, लेकिन जब स्टार्ट हो जाते हैं फिर रूटीन बन जाती है आपकी। अल्लाह ताला आपको सब्र दे देता है रमज़ान में। ये है कि आस्ता आस्ता चीज़ें आपके लिए आसान होने लग जाती हैं। तो ये है कि रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी तक ठीक जा रहे हैं, और बस इबादत करें, जितना हो सके नमाज पढ़ें जब आपके पास टाइम मिले, तो कोशिश करें कि इसको टाइम को अल्लाह की इबादत में गुजारें, और जितना हो सकता है लोगों के लिए अच्छा करें, अफ्तारी लोगों को करवाएं। और बेशक कहते हैं ना हुक्म ये कि बेशक आप खजूर से करवाएं, क्योंकि अगर आप जितना लोगों के लिए इस महीने में करेंगे उसका आपको दुगना जो है ना अल्लाह ताला आपको सवाब देगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जितना हो सके करें, लोगों को इफ्तारी कराएं, किसी के घर इफ्तारी बना के भेज सकते हैं वो भेज दें, और किसी मुस्तहिक की मदद कर सकते हैं वो कर दें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और अल्लाह ताला ने इसका बहुत बेहतरीन जो है ना अजर रखा है, सवाब रखा है। तो बस इन चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं हम नॉर्मल लाइफ में इतना कर रहे होते हैं, जितना हो सकता है उन पर फोकस करें। कहते हैं ना कि इसमें तो सुन्नत फ़र्ज़ का जितना सवाब है, सुन्नत का भी बहुत सवाब है, फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है। तो जितना हो सकता है करें, इसमें अच्छा काम करें, लोगों के लिए सानिया करें, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। और जिस जैसे ये होता है आपकी इफ्तारी होती है तो पानी और ऐसी चीज़ें खाएं जो फ्रेश हों, जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हों, जैसा फ्रूट्स हो गए, जितना हो सकता है फ्रूट्स खाएं और फ्रेश चीज़ें खाएं ताकि आप लोगों की सेहत ठीक रहे, रोज़े अच्छे गुजर जाएँ। क्योंकि फ्राइड चीज़ें जितनी खाएंगे ना उतना ही इंसान ना प्रॉब्लम में आ जाता है, आपका स्टमक जो है ना एसिडिटी जो है ना उसमें आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है आपको, क्योंकि ऑलरेडी जो है पानी की कमी होती है बॉडी में, रोज़ा पूरा दिन का रखा होता है। तो बेहतर होता है कि आप पानी दही वाली आइटम्स खाएं ताकि आप लोगों को सुकून आए और रोज़े अच्छे गुजर जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पहले दिन तो मैंने सुबह पराठा बना के खाया है, लेकिन उसके बाद से मैं सिंपल चपाती बना के खा रही हूँ, क्योंकि वो पराठे से ना एसिडिटी से फील होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मंथ ऐसा अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी हुई है कि हम इकट्ठे बैठ के टाइम चले जल्दी आ जाता है, इकट्ठे बैठ के कर लेते हैं, तो आयरा भी उस टाइम ना हमारे साथ बड़े मज़े से बैठ जाती है और हमारे साथ अपने बाबा को देखती कि बाबा खा रहे हैं, तो फिर अपने बाबा से कहती कि मुझे भी खिलाएं। तो अच्छा कल हमारे घर इफ्तारी थी तो आप यकीन करें फ्रूट सारे पड़े हुए थे, तो मैं भूल गई, ये मैं अमरूद भी पड़ा हुआ था लेकिन मैं अमरूद डालना भूल गई। तो ये कि बस इस तरह हो जाता है कई दफ़ा, चीज़ें जो है ना आपके माइंड से निकल जाती हैं। ये देखें जी फ्रूट चाट रेडी है और बस इफ्तारी करने लगे, इसमें सारे फ्रूट्स ऐड किए मैंने। ये रहे कल के समोसे और ये रहा लज़ानिया। तो डिनर करने के बाद जो है चाय रखी है मैंने, तो ये है कि बस अब चाय पियेंगे। और ये कि आयरा के बाबा बाहर गए थे, बाहर से आए तो कहते चाय बना दो, मैंने कहा ठीक है मैंने भी नहीं पी हुई तो इकट्ठे अब चाय पियेंगे हम लोग। ये रात का वक्त है इस वक्त और आप देख सकते हैं मौसम बहुत फ्रेश है, मतलब सही आजकल जो है ना थोड़ी ठंडक से हुई हुई है, जो पिछले दिनों बारिश हुई थी यहाँ पर तो काफ़ी ओले भी पड़े थे, तो ये उस वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडक हुई हुई है। तो ये है कि आप देख सकते हैं बिल्कुल